जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इंग्लिश के बहुत सारे हम रूल्स हमने पढ़ लिए हैं, करेक्शंस की हैं। आज हम कुछ और इंग्लिश के डिफरेंट एक्सप्रेशंस, ठीक है, देखने लगे कि डिफरेंट सेंटेंसेस को कैसे लिख सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं जी, हम इंग्लिश में लिख नहीं सकते, हम इंग्लिश में सही तरह, ठीक है, इलुसिडेट नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, किसी पैराग्राफ को लेंथ ही नहीं बना सकते, डिफरेंट एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते। तो मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि इंग्लिश में क्या, एक्चुअल में हम उर्दू में भी एक्सप्रेशन सही नहीं दे पाते। बस ये है कि उर्दू हमारी अपनी लैंग्वेज है और उसमें हम ज़्यादा महसूस नहीं करते स्पेशल। और दूसरी बात, जो जब को अगर उर्दू का पेपर भी आता है तो हम धक्के से कुछ ना कुछ लिख देते हैं, लेकिन इवन हम बोलने में भी बहुत सारी बातों, बहुत सारे अल्फाज, ठीक है, अल्फाज का शॉर्टेज हो जाता है। जैसे अभी मैंने कंप्लीट बात अभी उर्दू में बोलने लगा था, लेकिन फिर मैंने कह दिया शॉर्टेज हो जाती है। तो इस तरह की दिक्कत आती है। आप कभी न्यूज़ एंकर्स को देखें या इसरारुल, इस जो वो सरेआम वाले हैं, आई थिंक इसरारुल हक है, तो उसका स्टाइल देखें, बात करने का, अल्फाज का चुनाव देखें, ठीक है। इस तरह ये चीज हमें थोड़ी सी कमी रह जाती है कि हम अल्फाज का सही चुनाव नहीं कर पाते। डिफरेंट मीनिंग सेंटेंस देखें, हर सेंटेंस डिफरेंट मीनिंग देता है। जिस तरह कल मैंने बताया था हार्डली, ठीक है, या एज फार एज, इस तरह के हम एक्सप्रेशंस दे ही नहीं पाते क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती। तो इंग्लिश के डिफरेंट एक्सप्रेशंस को देना जरूरी है कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट एक्सप्रेशंस काम आते हैं। ओके जी। अच्छा, ये भी मैं बताता जाऊँ कि इस लेक्चर के बाद अव्वल तो अगर कोई और सेंटेंसेस कुछ ऐसे जो मुझे अगर नजर आए जो जरूरी हैं, कुछ फ्रेज, कुछ क्लॉज, क्योंकि मेरे जहन में है एक आधी क्लॉज वो रह गई है, क्योंकि क्लॉज का मैंने सिर्फ रेलिवेंट लेक्चर दिया था कि जहाँ किसी लेक्चर से रेलिवेंट हो रहा हो क्लॉज, इसको इन डिटेल डिफरेंट क्लॉजेज हैं। वैसे नाउन क्लॉज भी है, ठीक है, और दैट क्लॉज, ये सब पढ़ा दिए, लेकिन इतना आई थिंक जरूरी नहीं है। तो हो सकता है मैं स्किप कर दूं बाहर, एक लेक्चर में मैं एक्टिव पैसिव क्लियर करूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, और एक लेक्चर में कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम पैराग्राफ्स की तरफ आएंगे, पैराग्राफ राइटिंग की तरफ आएंगे। उसके भी 6 से 7 लेक्चर मैक्सिमम होंगे, देन हम कंप्लीट जो एसे राइटिंग है, मैं उसकी एक नई सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, एक नई प्लेलिस्ट होगी। जी, पहला एक्सप्रेशन है मस्ट बी या मस्ट हैव। अगर किसी चीज पर कुछ डाउट है, ठीक है, तो हम उसको फिर मस्ट बी का सहारा लेते हैं। जैसे ही मस्ट बी जोकिंग, तो ये वो यकीन मजाक कर रहा होगा। कैसे, जैसे कि किसी ने उसके बेटे को, उसने कहा कि आपका जो बेटा है ना उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो कहता है नहीं, ही मस्ट बी जोकिंग, यकीन वो मजाक कर रहा होगा, ठीक है। इस तरह मस्ट हैव, मस्ट हैव ये माजी के लिए, ही हैज नॉट सेंड अस हर बुक, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन, ये यकीनन वो भूल गया होगा, यकीनन वो भूल गया होगा, ही शी मस्ट भूल गई होगी, सॉरी, शी मस्ट हैव फॉरगॉटन, यानी कि इसमें थोड़ा शक है, अगर इसमें माजी का आंसर ज्यादा नोट ना भी करें तो यकीनन वो भूल गई होगी। आउट टू, ठीक है, और शुड में इसको कहाँ यूज करना है, ये आउट टू, इसको ऑटा भी कहा जाता है, ऑटा। शुड हम अक्सर यूज करते हैं, उसको चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन शुड वर्क का यूज वहां करें जहां आप कुछ चीज रिकमेंड कर रहे हो। वी शुड नॉट ईट टू मच, हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, एक रिकमेंडेशन है। जबकि आउट टू, जब आप ऑब्लिगेशन के, जैसे अक्सर हम कह देते हैं द चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट, ठीक है, देयर पेरेंट्स, तो इस तरह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स की बात आ जाए तो ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आप समझ लें, ये शुड यूज कर रहे हैं, दोनों का मतलब चाहिए है, लेकिन क्योंकि बात पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की है, हेल्प की है, जिस तरह सेंटेंस में है यू आउट टू हेल्प योर ओल्ड पेरेंट्स, तुम्हें अपने ओल्ड पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए, एक ऑब्लिगेशन है, फिर आउट लगाएं। यू आउट नॉट टू गेट अप लेट, आपको देर से नहीं उठना चाहिए। वाई डोंट यू कंसल्ट आ डॉक्टर, चलो इसको ये पता नहीं कैसे आ गया, इसको यहीं रहने दे, कोई बात नहीं। वुड का यूज क्या है जी, वुड का यूज एक तो ख्वाहिश के लिए है, ठीक है, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, मैं एक चाय का कप लूंगा, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं कि आप ख्वाहिश का वर्ड ऐड करें उर्दू में, ठीक है। कोई पूछता है जी कि आप क्या लेंगे, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, मैं एक चाय का कप लूंगा बस,
तो ख्वाहिश का आंसर खुद ही आ गया। इसके अलावा रिपीटिशन को भी जाहिर करता है ये, सॉरी रिपीटिशन को जाहिर करता है, जिस तरह व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड ईट पेटल्स, मैं जब बच्चा था तो मैं फूलों की पत्तियां खा खा जाया करता था, खाता था वगैरह वगैरह। इसी सिमिलर मीनिंग में यूज्ड टू भी आता है, व्हेन वी वेंट टू लंदन वी यूज्ड टू स्टे माई आंट होम, यू कह सकते हैं, ठीक है ये मैं थोड़ा लिखना भूल गया। व्हेन वी वेंट टू लंदन वी यूज्ड टू स्टे, या यूं कह लें आप, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू ईट पेटल्स, सेम है। फिर स्टॉप और स्टार्टिंग का क्या होगा, आई एड स्टॉप और स्टार्टिंग के फौरन बाद आई एन जी वाली फॉर्म आनी चाहिए, जेरंड आना चाहिए। आई एडवाइज हर टू स्टॉप स्मोकिंग, जब स्टॉप आ गया उसके बाद अगर आप कोई वर्ब भी लगा रहे हैं तो आई एन जी लगा के उसको जेरंड बना दें, आई एन जी वाली फॉर्म लगा दें। शी स्टार्टेड वीपिंग, अब वीप एक वर्ब है लेकिन उसमें आई एन जी लगा दिया तो जेरंड बन गया, तो शी स्टार्टेड वीपिंग। ईच और एनदर में क्या डिफरेंस है, ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ईच अदर की जब भी बात होगी तो दो अफराद के दरमियान कंपैरिजन हो रहा होगा, उनको कलेक्शन कोलेबोरेशन हो रहा होगा, दो इंसानों के दरमियान बात हो रही हो तो ईच, ठीक है ईच का यूज करें ईच अदर, और दो से ज्यादा की बात हो रही हो तो फिर एन अदर की बात करें। मैन एंड वुमेन शुड हेल्प ईच अदर, दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब ऑल ऑफ यू आ जाए तो इसका मतलब बंदे काफी सारे हैं, ऑल ऑफ यू शुड हेल्प वन एन अदर, हामिद जाहिद शाहिद लव वन अनदर, तीनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। फ्यू और लिटल, फ्यू और लिटल में वैसे ये पहले भी हम देखा है कि आ फ्यू फ्यू, ठीक है द फ्यू, इसी तरह लिटल के बारे में, तो फ्यू गिनती के लिए जो काउंट कर सकें, लिटल मतलब मिकदार के लिए। देयर इज ओनली अ लिटल शुगर इन द पॉट, ठीक है बर्तन में बिल्कुल थोड़ी सी चीनी है, थोड़ी सी लिटल शुगर। There are only a few girls in our class, क्लास में अगर ये देखें ना, ए हटा दें, ए हटा दें तो ये सेंटेंस किसी कदर गलत हो जाएगा। देर आर अ फ्यू, देर आर फ्यू गर्ल्स इन आवर क्लास, इसका मतलब होगा क्लास में गर्ल्स ना होने के बराबर है, पर मीनिंग तो सही है, मीनिंग तो देता है कि ना होने के बराबर है, लेकिन इन दोनों के मीनिंग समझाते हुए भी उसने ए का इस्तेमाल किया है, यानी कि थोड़ी शुगर है या थोड़ी चंद लड़कियां हैं। हैड बेटर, ये एक्सप्रेशन है ये दिलचस्प है, इसका मतलब है कि माज आपको मशवरा दे रहे हैं कि ये अच्छा होता तो आप ये कर लेते, टू इस्तेमाल नहीं करना इसके बाद। ही हैड बेटर रिजाइन, बेहतर होता कि वो रिजाइन दे देता, ही हैड बेटर रिजाइन, अब उसने रिजाइन अभी तक दिया नहीं है, ठीक है ये कोई माजी की बात नहीं हो रही कि आप हैड को समझे, आप यूं समझे कि आप घर में बैठे हैं तो आप, ठीक है जैसे कोई फीमेल बैठी है उसको शोहर बताता है कि जी मेरे दफ्तर में एक एम्प्लॉय है और वो इस तरह आना दफ्तर आता नहीं है फॉर एग्जांपल, और ना वो आना चाहता है, वो चाहता कहता है जी मुझे निकाल दो, तो उसकी जो वाइफ है वो कहती है ही हैड बेटर रिजाइन, बेहतर होता कि वो रिजाइन दे देता। यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बेहतर है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। यू हैड बेटर टेक केयर, अच्छा लेकिन बेटर के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ही हैड बेटर रिजाइंड, बेहतर होता कि वो ठीक है रिजाइन दे देता। यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है सेकंड भी आ सकती है, अगर सेकंड आ जाए तो माजी की बात है। यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ तो ये प्रेजेंट की बात है, लेकिन हैड बेटर, हाउ लॉन्ग ऑफन फॉर, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ऑफन कितनी मरतबा कोई भी काम हो रहा है, ठीक है जी फॉर का मतलब डिस्टेंस कितना है। हाउ लॉन्ग हैज योर फर्स्ट वाइफ बीन विद यू, ठीक है कितना अरसा आपकी बेगम बीवी आपके साथ रही, ठीक है हाउ लॉन्ग हैज योर वाइफ फर्स्ट वाइफ बीन विद यू, अब इसमें जो कि हैज और बीन, ये हैज बीन होता है ड्यूरेशन के लिए, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ रहे हो, आप कहाँ ठीक है रहते रहे हो, वेयर हैव यू बीन, तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसका क्वेश्चन बना दिया उसने। हाउ ऑफन डू यू, अब देखिए ये तीनों क्वेश्चंस हैं, जहां भी आएंगे क्वेश्चन है क्वेश्चन, क्योंकि हाउ एक क्वेश्चन का वर्ड है। हाउ ऑफन डू यू मीट योर गर्लफ्रेंड, वैसे इंग्लिश सेंटेंस हो गया, आप अपनी गर्लफ्रेंड से कितनी मरतबा मिले हो मिलते हो। हाउ फार इज इट टू लंदन फ्रॉम हेयर, यहाँ से लंदन कितनी दूर है, हाउ फार, ठीक है इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है आपने मैक्सिमम,
डिफरेंट वर्ड्स उठाएं, उनको मिलाने की कोशिश करें, तब जाके ये इम्प्रिंट होंगे माइंड में। एज फॉर एज, जहां तक, एज फॉर एज आई एम कंसर्न, आई एम नॉट रेडी टू मीट हर अगेन, जहां तक मेरी बात है मैं उससे नहीं मिलना है दोबारा, ठीक है। इस उर्दू में हम इसी तरह बोलते हैं ना, जहां तक मेरी बात है मैंने उससे नहीं मिलना। एज फॉर एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरी बात है। एक्सप्रेशंस को समझना होता है जी। अब आप ये ना समझेंगे जी सेंटेंस आया तो आप कंसर्न क्या मीनिंग निकालना शुरू कर दें। जहां अब वैसे इसका ये भी मतलब बन सकता है, जहां तक मेरा ताल्लुक है, कंसर्न, कंसर्न का मतलब ताल्लुक होना, वास्ता होना, जहां तक। लेकिन हम उर्दू में क्या कहते हैं, जहां तक मेरी बात है मैंने उससे कभी नहीं मिलना। हैज और हैव और विल हैव और शैल हैव, इसका एक अलग यूज है। वैसे सेंटेंस में भी आता है, एक्टिव एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में भी आते हैं, लेकिन इनका एक खास इस्तेमाल है। जब मैंने पढ़ा था तो मैंने बड़ा एक्साइटेड फील किया था। मैंने कहा अच्छा, इसका ये एक्सप्रेशन देखें, आई हैव टू कैच द फर्स्ट बस टू रीच माई ऑफिस इन टाइम। आई हैव टू कैच द फर्स्ट बस, ये इसका मतलब है पढ़ना, मजबूरी। आई हैव टू कैच द फर्स्ट बस, मुझे पहली बस पकड़ना पड़ती है, ठीक है। इसमें मैं ऐसे बताता हूँ, हम बचपन सेंटेंस पढ़ते आए हैं, ही गोज टू स्कूल, वो जाता है। लेकिन अगर कहना पड़ जाए कि उसको स्कूल जाना पड़ता है तो फिर क्या कहेंगे, ही हैज टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो स्कूल। लेकिन अगर वो कहे कि मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना जाना पड़ता नहीं है, मुझे स्कूल जाना है, आई एम टू गो स्कूल, ठीक है जी, आई एम टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, मजबूरी नहीं है, तो वो खुद जाना चाह रहा है, आई एम टू गो स्कूल, लेकिन जाना है जरूरी। यू विल हैव टू पे दिस बिल इन टाइम, आपको इस बिल, ठीक है, इन टाइम पे करना पड़ेगा। यू विल हैव टू, पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि इसमें कंटिन्यूएशन नहीं है, सिर्फ एक बार है। आई हैव टू कैच, इसमें कंटिन्यूएशन है, ये एक तरह से इनडेफिनेट का फिक्रा बन जाता है, जिसमें हेल्प हैव जो है एज अ वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। मस्ट बी एंड हैव टू बी, जरूरत के, वो भी है, ये वो ही है। यू मस्ट बी होम बाई फाइव, तुम लाजमी 5 बजे घर हो, ठीक है। हम कहते हैं यू मस्ट बी होम बाई फाइव, यानी कि 5 बजे लाजमी तुम्हें घर मौजूद होना है। यू हैव टू बी होम बाई फाइव, एक ही बात है, यू हैव टू बी होम बाई फाइव, 5 बजे तुम्हें घर होना है लाजमी। मस्ट बी एंड हैव टू बी, यूज ऑफ वर्क, वर्क का ये किसी ऐसे ख्वाहिश के जरिए का इजहार है जो मुमकिन नहीं है। आई विश दैट माई फादर वर अलाइव, अब फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि फादर अगर सिंपल हो तो फादर के साथ वाज आएगा, माई फादर वाज रिच, आई विश माई फादर वाज रिच, सॉरी मैं अलाइव पढ़ गया लगता है, तो मेरी ख्वाहिश है मेरे फादर जिंदा होते, लेकिन चूंकि वो जिंदा है नहीं तो वर लगाए, चाहे यहाँ पर ज्यादा बंदे भी हो जाए। आई विश माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स, मेरे भाई, वर देयर, मेरी काश के मेरे भाई इधर होते, तो उधर भी वर ही आएगा, वाज का यूज नहीं करेंगे, लेकिन पीछे जो विश आ गया तो अंडरस्टूड हो जाएगा। शी वेप्ट एज इफ शी वर बीटन, वो ऐसे रोई जैसे कि उसकी किसी ने उसकी पिटाई की हो, एज इफ का एक्सप्रेशन है यहाँ पर, और उसके बाद भी वर लगाए, शी वेप्ट एज इफ शी वर बीटन। हेल्प प्लस आइन जी, ये मैंने सेंटेंस, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, एफएससी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में मेरे हॉस्टल के बाहर एक नोट्स कुछ पड़े थे, पता नहीं कोई बंदा भूल गया था, गली में ऐसे कहीं लगे हुए थे आई थिंक सो। तो बहरहाल उन नोट्स को मैंने उठाया, वो शायद किसी मास्टर लेवल के, ठीक है, किसी बच्चे के थे, तो मैंने उनको देखा, तो उधर मैंने ये आईएनजी वाला एक्सप्रेशन पढ़ा, हेल्प प्लस आईएनजी, तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा अच्छा इंग्लिश में ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस भी होते हैं, तब से आज तक मैं इसको भूला नहीं। उसके बाद मैंने कई जगह पर पढ़ा ये, लेकिन उस वो वक्त मुझे याद है जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था। मदर कैन नॉट हेल्प लिविंग हर चिल्ड्रन, कि माँ अपने बच्चों, ठीक है, मदर कैन नॉट हेल्प लिविंग हर चिल्ड्रन, पता नहीं ये सेंटेंस पर इस, आप यू कह सकते हैं शी कैन नॉट हेल्प क्राइंग, वो चीखे बगैर ना रह सकी, कि अगर आप किसी काम को किए बगैर ना नहीं रह सके तो फिर आप इसको कहेंगे ये सर, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बगैर नहीं रह पाया, रह सका, तो इसको आप कुड नॉट भी कर सकते हैं, इसको इनडेफिनेट में बना सकते हैं। बस ये एक्सप्रेशन क्या है, हेल्प और आई एन जी वाली फॉर्म,
वर्ब की यानी कि जेरंड लगाना है। वेन एवर आई सी हिज फेस, जब भी मैं उसका फेस देखता हूँ, यहाँ कोमा भी आना चाहिए, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता। अच्छा जी, गोइंग टू और अबाउट टू, मुस्तकबिल, करीब में किसी काम के होने के लिए, कॉमन है जी। आई वॉज अबाउट टू स्लीप, मैं बस सोने लगा हूँ। वेन आई हर्ड अ बिग बैंग, मैं अभी सोने ही लगा था जब मैंने एक बहुत जोर का धमाका सुना। तो आई वॉज अबाउट टू स्लीप, या आई एम गोइंग टू लाहौर। अच्छा, ये अलग चीज है, इसको यूं कह सकते हैं, आई वॉज गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा था, मैं सोने लगा था। अबाउट टू और गोइंग टू एक ही तरह के मानी है, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टडी, अच्छा इस तरह कर लेते हैं, अगर लाहौर जा रहे हैं तो अलग बात हो जाएगी। तो लेकिन मैं पढ़ने लगा था, आई वॉज गोइंग टू स्टडी, मैं बस पढ़ने ही लगा था। आई वॉज गोइंग टू स्टडी, आई वॉज अबाउट टू स्टडी। एंड और आर, मस्बत फिक्र में अशिया को मिलाने के लिए एंड, जब भी पॉजिटिव दो दो तीन चीजों को मिलाएं तो एंड लगाएं, अगर मनफी हो तो आर मिलाएं। जिस तरह ही हैज अ पेन आर अ पेंसिल, ये गलत है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि हैज में एक पॉजिटिविटी है कि मेरे पास ये चीज है। एक देखें, एक तो चीज है मेरे पास है और एक है नहीं है, तो इसमें है। शी हैज अ पेन आर अ पेंसिल नहीं होना चाहिए, शी हैज अ पेन आर पेंसिल। अगर पेन और पेंसिल ना हो तो फिर हम आर लगाएंगे। शी हैज नॉट अ पेन आर पेंसिल, उसके पास ना पेन है ना पेंसिल है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, उस यहां पर हम गलती करते हैं, शी हैज नॉट अ पेन आर अ पेंसिल, यहाँ पर एंड लगा देते हैं हम। जब देखो आप नेगेटिव है तो फिर आर लगाएं। एंड नॉट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ लेंगे जी। एंड नॉट एज वेल एज के साथ किस तरह से, अगर आपने ये दो सब्जेक्ट्स, दो डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाना है। अगर किसी सेंटेंस में एंड नॉट आ जाए, गर्ल्स, गर्ल्स क्या है प्लूरल, देयर टीचर यानी कि एक टीचर है, बहुत सारी लड़कियां हैं, और हेल्पिंग वर्ब आया आर, तो इसका मतलब ये टीचर को देखकर नहीं आया, गर्ल्स को देख रहा है। कंक्लूजन इस बात का क्या हुआ कि अगर एंड नॉट आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि आर या कुछ कोई भी हेल्पिंग वर्ब वो पहले सब्जेक्ट को देखकर लगेगा। अच्छा, इसी तरह एज वेल एज अलोंग विद असलम, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखें बहुत सारे हैं, असलम एक है और इसमें हेल्पिंग वर्ब आया है सिंगुलर के तौर पर इज, तो इसका मतलब ये फर्स्ट पहले सब्जेक्ट को देखकर लगाया गया है, असलम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो एंड नॉट आ जाए या एज वेल एज आ जाए, आपने हेल्पिंग वर्ब पहले पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। नीदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट आल्सो। अच्छा, इसमें हम कल भी जिक्र किया था कि हेल्पिंग वर्ब वाली फॉर्म आनी चाहिए, इधर आ जाए, इधर नीदर इस तरह, नहीं सॉरी मैं थोड़ा सा कहीं और चला गया। इधर असलम आर हिज फ्रेंड्स हैव डन इट, इधर असलम आर हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ भी असलम भी है और उसके दोस्त भी हैं, तो देखें इधर आर का इस्तेमाल करना है हमने, असलम सिंगुलर है, हिज फ्रेंड्स जो हैं वो प्लूरल हैं, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाया है इस हैव, ठीक है, या तो असलम ने किया या उसके दोस्तों ने, तो इसका मतलब इधर और नीदर नॉर वगैरह आ जाए तो सेकंड सब्जेक्ट को देख कर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हिज फ्रेंड्स प्लूरल हैं तो हैव लगा दिया। नीदर शी नॉर आई, नीदर नॉर आ जाए तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है आई, तो हम उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आई के साथ, एम एम फॉल्ट, एम एट फॉल्ट, सम और एनी, सम पॉजिटिव के लिए, मस्बत फिक्रों के लिए, एनी नेगेटिव के लिए, जिस तरह और एंड का इस्तेमाल आया था। आई एम टू टायर्ड टू डू सम वर्क, टू जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, टू बहुत थक गया हूँ, अब जब बहुत थक गया तो काम नहीं करेगा, तो जब काम नहीं करेगा तो फिर डू एनी वर्क लगाए, ठीक है ही, ठीक है जी, ही डज नॉट डू एनी वर्क, उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। एज इफ या एज दो, जिस तरह हमने ऊपर वर्ब का इस्तेमाल किया था, एज इफ एज दो जैसा कि, एज दो जैसा कि, ही क्राइड एज इफ एज दो ही वर बीटन, ही क्राइड वो ऐसे चीखा जैसा कि उसकी पिटाई हुई हो, जैसे उसको मारा गया हो, ये पीछे वो वर्ब का इस्तेमाल हुआ था तो ये पड़ा था। इसको भी मल्टीपल टाइम सेंटेंस में यूज करें जी,
एज इफ एज दो, ड्यू टू ओइंग टू। जब भी आप ड्यू टू लगाएं हमेशा, कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में ड्यू टू ना लगाएं, ये एक मिस्टेक है। अगर ओइंग टू का इस्तेमाल करें तो फिर आप शुरू में लगा सकते हैं, मीनिंग तकरीबन सेम है। माई एबसेंस फ्रॉम कॉलेज वॉज ड्यू टू माई इलनेस, मेरी बीमार, मैं कॉलेज में एबसेंट था क्योंकि मैं बीमार था। जब ओइंग टू कह रहे हैं तो क्योंकि मैं बीमार था, कोमा भी लगाएगा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। ओइंग टू माई इलनेस आई कुड नॉट गो टू कॉलेज, सिंपल है ये। और लास्ट है विल, हैज और हैव बीन, विल और शैल हैव बीन, इसका मैंने पहले भी तذکرہ किया है। आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट अ न्यू जॉब फॉर द लास्ट 2 ईयर, 2 साल से मैंने किसी दूसरी जॉब के लिए कोशिश कर रहा हूँ, उसको ढूंढ रहा हूँ। आई हैव बीन, कोई काम कंटिन्यूस है, जारी है, ठीक है। ही हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर मैनी ईयर्स, ये सेंटेंस है वैसे जो पास्ट परफेक्ट। दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन रनिंग, आई थिंक ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं, तो ये वही है। दे विल हैव बीन रनिंग अ कंपनी फॉर 2 ईयर्स, तो वो 2 साल से कंपनी चला रहे हैं, इतना ही आ गया। चले अच्छा, मेरी कोशिश होगी कि जितने भी ये 10-12 जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा एक्टिव पैसिव का होगा, उसको देने से पहले जितने भी कुछ फ्रेजेस, कुछ क्लॉजेस और ये रूल्स एटसेट्रा जितने भी पढ़े हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इनको कंपाइल करके, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें एक रिवीजन लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।